कमेटी की बैठक में लिया भाग। दिए आवश्यक निर्देश। थाना कोतवाली जोगिया उदयपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पीस कमेटी के धर्मगुरुओं एवं संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक किया गया। बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने लॉकडाउन का पालन कराने हेतु उपस्थिति की संबोधित किया। दीपक मीणा ने लॉकडाउन पालन करने की अपील करते हुए जनता से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की बात कही। वहीं पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित करते हुए कहा कि लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, जेल भी भेजा जा सकता है। रमजान के उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, इसी के लिए हम हर थाने जाके पीस कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और हम सबसे हमारा यही अनुरोध है कि जिस तरह से बाकी सब त्यौहार लोगों ने अपने घरों के अंदर ही मनाए, रमजान के महीने में भी अपने घर के अंदर ही नमाज अदा करें, घर के अंदर ही अपने परिवार के साथ ही सहरी और इफ्तारी करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर के बाहर ना जाएं और अपना घर में ही रह के अपना त्यौहार मनाएं, अपना रोजे रखें और कहीं भी मस्जिद में या कहीं भी और किसी स्थान पर सामूहिक रूप से नमाज अदा ना करें। इसके लिए हम निरंतर जो हमारे सम्मानित धर्मगुरु हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों से अपील करा रहे हैं, वीडियोज़ हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो सम्मानित जनता है वो हमारी अपील को का सम्मान रखेगी और सब अपने घरों में रह के ही रमजान के महीने में अपना करेगी। सर, इस बैठक का क्या उद्देश्य था? देखिए, पीस कमेटी की बैठक थी और जितने भी संभ्रांत लोग हैं और जो लोग हैं आसपास के थाने के उनको बुलाया गया था और उनको बताया गया था कि कोरोना जैसी महामारी से आप लोगों को और क्या सावधानियां बरतनी है, क्या इश्यूज हैं, फेक न्यूज पे ध्यान ना दें, लोगों को जागरूक करें, प्लस रमजान का महीना भी आ रहा है उसी के बारे में भी बात करके लोगों को बताया गया है कि क्या चीज़ें हैं, लॉकडाउन का अनुपालन करें, सब अपने घर में अपनी नमाज अदा करें, कोई भी जगह पे सामूहिक नमाज या कुछ भी नहीं होगी और सामूहिक से मतलब है कहीं भी कुछ सामूहिक नहीं होगा क्योंकि धारा 144 वैसे ही लगी हुई है, तो नमाज की बात नहीं है, कोई भी गैदरिंग कहीं भी किसी भी पर्पज के लिए अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ों का लोग ध्यान रखें, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें, ये अपने जनपद में यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोगों ने उस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, उसको इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया है। तो मेन यही मुद्दे थे, बाकी अभी जो चल रहा है सब तैयारियां हैं जनपद में और सभी अधिकारी कर्मचारी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं।